ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਲਾ ਲਾ ਵੱਡਾ ਓਏ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਥੁੱਕੀ ਓਏ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਸਾਡਾ 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਆਗ ਲਗਾਤੀ ਹੂੰ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ 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 ਆਪ ਦੇਖੀਏਗਾ ਦੇਖੀਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਨਕੋ ਜੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਥੀ ਪੂਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ जी जी राहुल सर आप इजी हो जाए आप देखिए मैं कैसी आग लगाती हूँ बस मोदी जी को कह के मेरे पैसे बढ़ा दीजिएगा ये ना हो कि वो चुनाव जीतने के बाद बदीद हो जाए अपने निर्देशकों के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज लेके हाजिर हुआ है आपका चबल टीवी अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के मशहूर शो सियासी थिएटर में अभिनंदन को बुलाया गया है और उस पे जुगतों की बारिश कर दी गई है और वो आगे से रिएक्ट नहीं कर रहा ये है पाकिस्तान का असल चेहरा मैं क्यों रिएक्ट करना मैं इफ्तिखार ठाकर मैं जाग ले के आया थे और निर्देशकों दिल थाम के बैठिएगा अब हमारा चैनल चावल न्यूज आपको दिखाने जा रहा है पाकिस्तान का असल चेहरा यार ये कितनी आग लगाते हैं यार इन्होंने आग लाई है तो मैं जज्बात चाहे बॉर्डर क्रॉस करता जी इतलात है हमारे पास कि पाकिस्तानी जनता हमारे पायलट अभिनंदन की ब्रेन वॉशिंग कर रही है जी हाँ नाज़रीन आपको इतला दी जा रही है कि हमारे पायलट अभिनंदन की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है हमें लग रहा है कि उसको पाकिस्तानी जनता ये गाना सिखा के भेजेगी कि अगला के सानू इश्क दिया वे आप मीठी नींद सोनाए अगला के सानू इश्क दिया वे आप मीठी नींद सोनाए ये है पाकिस्तान का असल चेहरा ये मैंने न्यूज कास्टर कट ते गड़बी वालियां बहुतियां लगन दी हैं अच्छा देखिए जो न्यू फिनोमिना है 65 और 71 में ये इस तरह से नहीं था यानी कि इतने न्यूज चैनल नहीं थे ना वहां थे ना हमारे यहां थे मगर आप देखें जो भारतीय न्यूज चैनल्स हैं बेशतर जो भारतीय न्यूज चैनल्स हैं हैरत अंगेज तौर पर उनको आप देखें अगर आप उनकी स्क्रीन देखें उनकी प्रोग्रामिंग देखें तो आपको बाकायदा कोई प्रोग्राम शायद ही चंद एक जो चैनल्स हैं वहां तो आपको ठहराव नजर आ रहा है वरना बेशतर जो चैनल्स हैं वो बाकायदा आग उगल रहे हैं आप उनकी स्क्रीन देखें उनके प्रोग्राम्स देखें उनके टाइटल्स देखें शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा हो शायद ही कोई टाइटल ऐसा हो जिसमें फायर का इफेक्ट ना यूज किया गया हो और उससे भी ज्यादा आग जो है वो खुद इनके एंकर उगलते हैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸਿਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਡਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਪੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪੀਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਆਇਓ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਆਇਓ ਜੀ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜੀਏ मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि आप सोच नहीं सकते राहुल सर अगर आपने आग लगाने वाली सारी खबरें इस मोटी से पढ़ानी थी तो मैं चली जाऊं यहाँ से मैं बता रही हूँ नो सर नो नो एक्सक्यूजेस मैं बालाजी का सोप करने चली जाऊंगी सास भी कभी बहू थी यू नो अभी तक मेरे वाला कैरेक्टर उन्होंने किसी लड़की को नहीं दिया ओके सर मैं पढ़ रही हूँ अब इसको अगेन दोबारा कोई खबर नहीं देनी है प्लीज जी व्यूअर्स आपके लिए गर्मा गर्म खबर व्यूअर्स ये घर से पाव भाजी लेके आई है गर्मा गर्म खबर आपको मैं दूंगी एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं आपको चावल न्यूज नेटवर्क से हम दिखाने जा रहे हैं आपको पाकिस्तान का असल चेहरा अभी अभी खबर आई है कि अभिनंदन की बॉडी पे ऐसे कीमियाई तजर्बे किए गए हैं कि अभिनंदन के दुम निकल आई है ओ यन्नी दिए दुम नहीं इन्होंने जड़ा मिसाइल मारिया सी ओए लमकन दिया अच्छा आप देखें कि हमारे मीडिया का रवैया और भारतीय मीडिया का रवैया और मुझे हैरत होती है
क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, सहाफत की बात करते हैं, अखबार या चैनल से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं, तो पहला तासुर ये आता है कि ये हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे, ये लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होंगे। दुनिया कैसे मूव करती है, जंग जंग के असरात क्या होते हैं, चाहे आप कितनी बड़ी ताकत ही क्यों ना हो, आप अमेरिका जैसी मिलिट्री पावर भी क्यों ना हो, मगर जब आप जंग में जाते हैं तो आपकी पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती है। तो मीडिया से पूरी दुनिया में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मीडिया के जो लोग होंगे, मीडिया से जो जुड़े लोग होंगे, वो शऊर की बात करेंगे, अक्ल की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, खैर की बात करेंगे, आग बुझाने की बात करेंगे। मगर इंडियन मीडिया जो है वो हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की बात कर रहा है पूरे खित्ते में। तानू पैसे मिले और मैं देखा तुसी किस तरह मीठा मीठा बोल दियो, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। ये बोल दे मीठे मीठे ने मिसाइल ठीक जगह पे मार देना। अच्छा देखें, यानी कि एक होता है गलत खबर देना, यानी कि हमने देखा इस पूरे अरसे में, लाजी बात है हम सभी वॉच कर रहे हैं इंडियन मीडिया को, गलत खबर देना एक चीज है, उसके बाद है उकसाना बाकायदा, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना फप्पे कुटनियां होती है ना, उकसाती हैं कि कुछ किया नहीं, कब करोगे, बर्बाद कर दो, आग लगा दो, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उकसा रहे हैं, जंग का ड्रम जो है वो बजाए चले जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर अवाम का प्रेशर जो है वो आता है सियासतदानों पर, जो भी उनकी इंतजामिया है, और फिर उसके असरात जो हैं वो हमें खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अहम किरदार जो है आग लगाने में, खित्ते को यहां तक पहुंचाने में एक बहुत अहम किरदार जो है वो इंडियन मीडिया ने भी अदा किया है। दर्शकों, ये बजाहिर मासूम दिखने वाला शायर जो हमारे मीडिया पे तनकीद कर रहा है, जो हमें कह रहा है कि हम आग लगा देते हैं, इसने, इसकी शायरी ने जो भारतीय नारियों के दिलों में अग्नि लगाई है, उस पे पानी कौन डालेगा। और इसी पे मुझे इसी शख्स का एक शेर याद आ गया कि मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, दिसंबर में तुम्हें मेरी शरारत याद आएगी, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। और नाज़रीन आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान ने गुड जेस्चर शो किया है, अमन की खातिर शो किया है, और यकीनन सारे इदारे एक पेज पे होंगे तभी ये मुमकिन हुआ है। उसको भारतीय मीडिया जो है इसको पाकिस्तान की कमजोरी बनाकर पेश कर रहा है, अमन की इस ख्वाहिश को भी, अमन के इस जेस्चर को भी पाकिस्तान की कमजोरी बनाकर पेश कर रहा है। हालांकि सीधी सी बात है कि 3 साल से कुलभूषण यहां है, अगर इतने ही प्रेशर लेने वाले होते तो कुलभूषण कब का यहां से जा चुका होता। बहरहाल छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में, आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है अभी नंदन और हमारे साथ इंडियन मीडिया के भी कुछ लोग मौजूद है। ये जो उकसाने वाली मैं आपको बात कर रहा था, मिसाल के तौर पर भारत ने जो किया, फिर वो उन्होंने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, हमने जो किया, पहले वो झूठ बोलते रहे, उनका मीडिया भी झूठ बोलता रहा, हालांकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था सब कुछ, मगर भारतीय मीडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने लोगों को हकीकत नहीं दिखाई, एक बात। उसके बाद जब सरकारी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर लाजिम बात है कि सफारती मामला जो है चले। यार आप अंदाजा करें, जिनने तोड़े जहाज डाले ने, जहाज गिरा लिया है, उसके बाद कौन सा डर रह गया, कौन सा खौफ रह गया, पहले भी नहीं था, तो जिसको खौफ होता है वो जहाज और पायलट गिराता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कहीं सफारतकारी हुई है, कहीं लाजमी बात है कि कुछ गारंटीज जो हैं इस खित्ते के हवाले से ली और दी गई हैं, जिसकी बिना पर ये फैसला जो है वो सामने आया कि ठीक है जी अभी नंदन को वापस कर दिया जाए। अब भारतीय मीडिया का फर्ज क्या बनता है, ये फर्ज बनता है कि अपने लोगों को बताएं कि खित्ता जो जंग की तरफ जा रहा था, तो अब सफारतकारी जो है अब उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं, और उसके नतीजे में अभी जो है वो वापस आ रहा है। हमारे इमरान खान साहब ने तो साफ कहा कि भाई आपको जो गिले शिकवे हैं, आपके पास अगर कोई सबूत है आप हमें सबूत दें, हम उसके बाद उन सबूत का मुआयना करेंगे, फिर देखने के बाद उस हवाले से बात करेंगे। मतलब जो आपका गिला है उसको एड्रेस किया जा रहा है ना, तो जब एड्रेस किया जा रहा है तो जंग की जरूरत क्या है। मगर आप अंदाजा करें कि जितना भारतीय मीडिया है 90% उसने अभी के जाने को यह कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, और जनाब पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया, और अगेन कुछ मीडिया यही कह रहा है कि अभी भी सबक सिखाओ इन्हें। तो बात यह है कि उकसाए जा रहे हैं, अपने यहां आग लगाए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस्म के दानिश्वर हैं, कैसे वहां के सहाफी हैं, कैसा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मीडिया है,
जो अपने लोगों को भी और इस पूरे खत्ते को जंग ज्यादा देखना चाहता है, जो लाशें देखना चाहता है, जो खून देखना चाहता है, हैरत होती है मुझे। चले पाकिस्तान से तो नफरत सही, अपने लोगों से भी मोहब्बत नहीं है यार इन्हें। अगर मोहब्बत हो तो कौन अपने लोगों को जंग में धकेलना चाहेगा? मोदी आनंदी सॉरी सर प्लीज पैसे मत काटिएगा, मुंह से निकल, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, कुछ भी मुंह से निकलवा लेते हैं ये लोग। अच्छा अभी ये बताइए कि क्या सोच के आए थे आप पाकिस्तान? एक सिप ले लो। सर सीनियर जलों ना मेनू मिस गाइड किया गया सी। अच्छा उन्होंने मेनू कहा कि पहलो मी दो पायलट गए ने, वो जो परसों शाम आए थे जी, 350-400 बंदा मार के गए ने। हाँ जी वो कहते तुसी भी जाओ, ते मैं ते निकलिया, मैं बॉर्डर क्रॉस किया, तो मैं क्या मैं एक मिनट च आया को 8-10 टिकाने इन्हां दे तबाह करके। सर मैं LOC क्रॉस किया, मैनू इन्होंने अंगेज कर लिया, 3-4 तैयारे मैनू इंज पै गए ने जिवें शहीन चिड़ी नूं पैंदा। पिछों मिजाइल गोलियां, मेरी तो धौण च एक दो छित्र भी वजे ने, मैं क्या किहड़ा तैयारा जिहड़ा छित्र सुट्टण दिया। मिजाइल नाल ते मैं नहीं सा डिगदा पिया, मिजाइल नाल जहाज ही डिगया, मैं छित्र नाल डिगया। माफी चाहना, चाह मजेदार है। फिर मैं छप्पड़ च डिगया जी। अच्छा धौन पर नहीं डिगया, मैं सच बोलना वांगा, मैं देखो मैं तुहाडे चैनल ते आया वा, मैं झूठ नहीं बोलांगा। मैनू उत्थे आके पब्लिक ने सिद्धियां कीता, सिद्धे का मतलब यह नहीं कि चंगी तरह सिद्धियां कीता, वो तो फिर तुहाडी आर्मी आई है। मैनू बड़ी मुश्किल, उन्होंने तो बकायदा मॉब से आपको बचाया। हाँ जी मैनू बचाया, उन्होंने मॉब तो भी बचाया, मैनू मौत तो भी बचाया। तुहाडे बुजुर्ग जिहड़े ने उन्होंने पता नहीं क्यों हाथ पा रहा, और तुहाडी जिहड़ी आर्मी है वह थोरो जेंटलमैन है। अच्छा चाय बहुत पसंद आई आपको अभी? जी मैनू चाह बहुत, इतने चाह बड़ी मजेदार बनती है जी, मैनू यह नहीं समझ आती कि कुछ है भाई। जी राहुल सर आप इजी हो जाए, आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ, कैसी आग लगाती हूँ सर, 4 घर तलाक करवा चुकी हूँ। सर इजी हो जाए। दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है हमारे चैनल चावल न्यूज से कि जिस तरह की चाय हमारे पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी ने पिलाई वही चाय, जी हाँ दर्शकों वही चाय पाकिस्तान में सियासी थिएटर में उसको पिलाई गई जो के बिल्कुल फीकी है। जी हाँ दर्शकों ये वो देश है, जी हाँ ये वो देश है पाकिस्तान के, इनके यहाँ जाओ तो जुगते मीठी बातें मीठी और चाय फीकी। एहो जी चाह तो मैं सारी जिंदगी नहीं पीती, जिन्हू तू फीकी कहन दई। शाह जी अभिनंदन जिवें चाह पींदे आ इंज साडे बाजारां दे विच अगले थान पाड़दे ने। देखो दर्शकों यह है पाकिस्तान का असल चेहरा, अभिनंदन को फीकी चाय पेश करने वालों आप तुम टमाटर को नहीं मीठी चाय को भी तरसोगे। नहीं नेपाल च पत्ती तोड़न वाली है, मैनू अपने देश आ लैण दे, वेख मतरी धौण किवें भन्नदा, वो हजे मैं वापस आया नहीं, ए ना होवे तेरे अग लाउण दी वजह तो इन्हां दा फैसला चेंज हो जाए ते मैं इत्थे गोडी करन डिया वां। मैं तो यह भी सुनिया कि इत्थों दा वज़ीर-ए-आज़म यू टर्न भी ले लैंदा होगा।